ताजा शोरमा मिलता ताजा है एकदम। डाल रहे हो और ये दोनों ऊपर से डालना बाद में डालेंगे। सब कितना वाला वाला है? 30-40-50-60-70। कितना बजे तक रहते हैं ये? 3 बजे लगाते हैं रात 11:30 बजे। पार्सल है? सॉस कितना अच्छा है, सब सफाई है, सब रकम देगा। इधर मीठा भी मिलता है, अलग अलग खजूर सूखा गिल्ला। कितना सारा बनाना फ्लावर का, कितना सारा एक मोचा बोलते इसको बंगाली में मोचा, और हिंदी में क्या बोलते मुझे नहीं पता, इंग्लिश में बोलते बनाना फ्लावर, और हाँ बंगाल हिंदी में बोलेंगे केले का फूल। वो ऊपर से ये क्यों सूख गया था? जो लोग को झाड़ से लेके आई तो लोग के पास वो लोग निकालते नहीं हैं, तो मैं बोल के निकाल के लेके आ गई, बोलते लेके जाओ, तो इसलिए थोड़ा कला हो गया। तो कला होने से कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो फूल उसका हमको ज़रूरत है। चलो मैंने फूल निकालती हूँ, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कवर तो नहीं है, फूल भी काला हो गया था, लेकिन खा सकते हैं। खा सकते तो फिर मैं इसको थोड़ा अच्छा से साफ सफाई कर लेते, साफ सफाई करके काट लूँगी। अगर हम लोग निकाल देते ना तो ये काला नहीं होता, वो लोग रख दिए थे ऐसा, तो उसकी वजह से काला। मंचूरियन क्या बनने वाला है, सॉरी क्या बनने वाला है इसका नाम मम्मी से पूछ के बताती हूँ, बनाना फ्लावर का, ठीक है बाद में बताती हूँ। कोई नहीं बनाया, कोई नहीं बनाया होगा वो, नतुन रेसिपी है। हाँ तो मम्मी से पूछ के बनाती हूँ मम्मी क्या बनाने वाले इसके। ये जो काला हो गया कोई टेंशन लेने की बात नहीं, मैं पानी में डालेंगे, देखो पानी रखी, नमक हल्दी डालेंगे, वो पूरा उसका काला पानी निकल जाएगा, और वाइट वाइट जैसे पहले के रेसा हो जाएगा, वाइट वाइट हो जाएगा इसके रेसा। चलो सब एक एक करके सब निकाल लेते हैं उसके अंदर, खूबसूरत लग रहा है ना ये आइसक्रीम के कोन की जैसा, ये मोचा का आइसक्रीम, वाओ जबरदस्त, अंदर एकदम कोली है, अब भी काला हो जा रहा था, देखो कितनी बहुत जल्दी काला हो जाता है। देंगे पानी में क्योंकि वो काला होने का आ रहा है, भीगा है फिर भी काला, मैंने भीगा है फिर भी उसमें काला काला हो गया है, नमक डालेगा तो नहीं, और थोड़ा सा हल्दी ताकि वो काला काला ना। ये कोई आखा भी रख के बना सकते हैं आप लोग के ऊपर, आप लोग करके क्या है छोटे छोटे करके बनाएगा तो टेस्ट ज्यादा लगता है, ज्यादा पड़ेगा ना। फूल पूरा कट के कंप्लीट हो गया है, इसमें हल्दी डाल के उसको उबाल देंगे, थोड़ा सा नमक, ब्लैक हो गया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फूल थोड़ा रखने से ब्लैक हो जाता है। हाँ फूल ब्लैक होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो बनाना का जो था फ्लावर वो एकदम ताज़ा है, थोड़ा बाहर रखने से वो कालापन पड़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उसाना मुल्ला कुकिंग किचन में। आज और एक एक न्यू रेसिपी लेकर आ गई हूँ, वो है बनाना फ्लावर मंचूरियन। आप लोग ने चिकन मंचूरियन खाया है, वेज मंचूरियन खाया है, सो आज ये न्यू स्टाइल का मंचूरियन बना के खाना कैसा लगेगा ज़रूर कमेंट्स कर देना। मम्मी के स्टाइल का मम्मी के स्टाइल का बनाना फ्लावर मंचूरियन। तो चलो क्या क्या लिया है आपको एक एक करके मैं बताती हूँ। 2 बटाटा लिया है, अगर आपको बटाटा ज़्यादा डालना है तो आप लोग डाल सकते हैं, क्योंकि बटाटा ज़्यादा नहीं डालने के लिए क्या रीज़न है मैं आप लोग को बताती हूँ। बटाटा ज़्यादा डालोगे तो क्या है, जो बनाना फ्लावर का जो बैटर रहेगा वो अपने को बनाना फ्लावर जो है उसका उसका टेस्ट नहीं आएगा, आएगा आलू का टेस्ट, इसलिए 2 डालेंगे। और यहाँ पर कांदा, मिर्ची, ये जो अदरक है 1, और लहसुन का कली, सो उसको भी बारीक करके सब काट कुट लेंगे। और यहाँ पे है टमाटो सॉस, यहाँ पे ड्राई डार्क सोया सॉस, यहाँ पे रेड चिली सॉस, और उबल गया है अब इसमें डाल देंगे इसको।
पानी है वो झर जाए उसमें से। पानी डाल देते हैं इसमें, दो डाल देंगे, दो आलू करने रख देंगे, आलू को इसमें लगा देंगे, सुन छील लेंगे टोटल। वो ऐसा निकल के भाग गया हाथ से, एकदम बारीक बारीक करके चॉप कर लेंगे, ये देखो बारीक करके एकदम चॉप हो गया है बारीक बारीक। अंजर को अच्छे से छील के कट कर लेंगे, अदरक चॉप कर लेंगे। चॉपर चॉपर है क्या अपना पास? वो रखा हुआ उधर रखा हुआ, यहाँ है वो झमेला, झमेला ये हाथ से कितना सा चॉपर हो जाएगा, बारीक हो जाता है देखो। मिर्ची कट कर लेंगे अभी बारीक बारीक छोटा छोटा करके, ताकि ज्यादा आएगा भी तीखा नहीं लगेगा, हाँ। तीखा नहीं है ये, नहीं। ग्रीन हरी मिर्ची आपको अगर पूरा ग्रीन देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं, लाल देना चाहते हैं लाल दे सकते हैं, तो सूखी नहीं दे सकते, पाउडर नहीं दे सकते। हाँ आलू उबल गया है, ये देखो आलू उबल गया, छील लेंगे। अब जो बनाना फ्लावर है उसको कैसा करके, तो उबाल के रख दिए, अब उसको कैसा करके कुक करेंगे चलो आप लोग को बताती हूँ। बनाने फ्लावर को अभी कुक करेंगे, तेल डाल देंगे इसमें, इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालने का, थोड़ा सा इसमें जीरा नहीं जाएगा, कांदा डाल देंगे, जब गार्लिक पेस्ट ये डाल देंगे, 1 टेबल स्पून मिक्स कर लेंगे ताकि कच्चापन चले जाए, अच्छी तरह से भून जाए। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला और जीरा पाउडर नहीं जाएगा, देंगे स्वाद अनुसार नमक, बनाना फ्लावर और मैं जो कांदा का जो मसाला जो बनाए थे उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, करके डाल देंगे उसमें, मिक्स कर लेंगे। गुड़ हो गया है ये, पक गया है, बंद करके इसको ठंडा करने रख देंगे, निकाल लेंगे इसको प्लेट में ठंडा करने रख देंगे, कि अंदर क्या क्या जाएगा वो भी आप लोगों को देखने मिलेगा। तो सॉस मिक्स करके अच्छा सा इसको, चिली सॉस 2 टेबल स्पून चिली सॉस है, डार्क सोया सॉस 1.5 देने का, 2 चम्मच टमाटो केचप, विनेगर खट्टापन देने के लिए टेस्टी चटपटा, चम्मच गया विनेगर, कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून, चावल का आटा भी अगर आप लोग को देना आप लोग दे सकते हो, तो इसमें गया कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच, मैदा 1 चम्मच, कॉर्नफ्लावर 2, मैदा 2, एक कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच, मैदा 2 चम्मच। ठंडा हो गया, बॉल बना लेते हैं, अच्छा सा बॉल बना लेंगे, ये देखो बॉल्स बना लिए हैं, अब इसको क्या करेंगे वो भी आप लोग देखते रहो, तो बनाने की तैयारी कर, बॉल्स में डाल देंगे, पलट देंगे, खुशबू आ जबरदस्त, इसका बैटर खा के देखे क्या लगा, बहुत जबरदस्त लगा वो, तो हम खाने में इतना टेस्टी लगा, इसको जो फूड बनाया था, हाँ क्या करके पलट देंगे, कितना जो कितना लाल लाल करके फ्राई कर देंगे इसको, तो जबरदस्त करके फ्राई कंप्लीट, लाल लाल करके फ्राई कर लिया, अब इसको निकाल लेंगे, जितना लाल लाल करके फ्राई करेंगे टेस्टी, मच मच करके फ्राई करने से टेस्ट ज़्यादा होगा, अच्छा कुरकुरा करके फ्राई करने से टेस्ट ज़्यादा होगा, कितना कुछ जबरदस्त निकाल लेंगे, हो गया। अब उसमें जाएगा हरी मिर्ची, जिंजर और गार्लिक पेस्ट, पेस्ट नहीं पेस्ट में आपका अच्छी तरह से वो हो गया है, अभी इसमें डाल देंगे ऑनियन, आप लोग को लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च डालना है तो आप डाल सकते हो, हमने इसमें नहीं डाला है, सॉस बना करके तो वो डाल देंगे उसमें, स्वाद अनुसार नमक पका लेंगे, बॉल बना देंगे, लम्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी गाढ़ा हो जाता है ना, डाल देंगे उसमें, क्योंकि वो जल्दी गाढ़ा हो जाता है ना, हाँ तो उसके हिसाब से डालना पड़ता है, आप लोग इसमें एग भी डाल सकते हो,
बनाने के टाइम जो आप लोग जब बनाओगे तो वो एग को पहले फ्राई कर लेने का, फ्राई करके इसको तोड़ तोड़ के इसमें डालने का। आप क्यों डालना है तो डाल सकते हैं, तो ऑप्शनल है, क्योंकि ये चाइनीज में थोड़ा डालने से टेस्ट होता है, टेस्ट होता है चाइनीज टेस्ट होता है। रेडी हो गए, अब डाल देंगे बॉल्स, ये बॉल जो बनाई वो डाल देंगे बॉल्स। वाह जबरदस्त कंप्लीट। अब इसको प्लेटिंग कर लेंगे, तो चलो प्लेटिंग करने के बाद आपको दिखाते कैसे प्लेटिंग कैसे करती हूँ, दिखो अब बाद में आपको दिखाते। स्टाइल का बनाना फ्लावर मंचूरियन रेसिपी रेडी हो गया है। कौन कौन ही बनाना फ्लावर का मंचूरियन खाया है कमेंट्स करके बताना। तो आप लोग को ये रेसिपी कैसा लगा बनाना फ्लावर का ज़रूर कमेंट्स कर देना। रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि और नया नया रेसिपी आप लोग को देखने मिले। तो वीडियो इधर ही एंड करते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। डरा क्या, बाय, अल्लाह वालिक हाफिज़। इसको बना के खा के कमेंट करना।